رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني جنت جس دن آئے حسنین دی امائے ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ آپ ساتھی ਇਸ ਜੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋ ਇਹ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਉਸ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠੋ 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 ਜ਼ਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠੋ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਆ ਜਾਏ ਉੱਠ ਜਾਏ ਬੇਟਾ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤਮਾਮ ਸਾਥੀ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਜੋ ਦਾਈਂ ਜਾਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨਾ ये सामने वाले लोग जिनको हम देख रहे हैं आप उठ के यहाँ तशरीफ़ ले कर के आएँ आ जाओ नेड़े नेड़े कदम उठाओ उठ के तशरीफ़ ले आएँ करीब जो भाई चल करके करीब आए अल्लाह ताला उसके जिस्म की तमाम बीमारियाँ ख़त्म फरमा दे एक छोड़िए आप आगे तशरीफ़ लाइए माहौल गुफ्तगू का बने और इंशाल्लाह मैं कुछ अर्ज कर सकूं एडवांस मोहब्बत से कहें ज़रा सुभान अल्लाह एक बार फिर कहें सुभान अल्लाह जन्नत जिस दिन आए हसनैन दी उमाए जन्नत जिस दिन आए हसनैन दी उमाए जो रहमत दी छाए हसनैन दी उमाए محمد تے ایمان ہے محمد اے دین ہے محمد تے ایمان ہے محمد ہر جان دی میں سنیا ہے खुद जान है मुहम्मद हर जान दी मैं सुनिए खुद जान है मुहम्मद
मोहम्मद दी जेड़ी जाए ये फतवा ढोडे ते लग जाना है कि भाभी कोई नहीं सुनते ना अले बैद सुनते ने ना खुश होंगे ने हैं उची आखो सुबहान अल्लाह। और मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ अहले बैत की मोहब्बत का तज़किरा कर रहा हूँ आप बोलते नहीं मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। मैं फिर पढ़ता हूँ आपकी मोहब्बत सुबहान अल्लाह आपकी जुबान से निकले और पता चले कि आप मोहब्बत कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि जन्नत जिस दिन आए हसनैन दियो माए जो रहमता दी छाए हसनैन दियो माए ए दीन है मोहम्मद ते ईमान है मोहम्मद हर जान दी मैं सुने खुद जान है मोहम्मद मोहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दी उमाए मोहम्मद दी जेड़ी जाए हसनैन दी उमाए जो रहमता दी छाए हसनैन दी उमाए हर एक निशान फड़े जहरा दा पाक पल्ला परदान शीन जोने उना और ता दिवल्ला परदान शीन जोने उना और ता दिवल्ला जो अमीरे कारवाए हसनैन दी उमाए जन्नत जिस दिन आए हसनैन दी उमाए जो रहमता दी छाए हसनैन दी उमाए काबिले सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो भाइयों और अजीज साथियों अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दी है। दुआ कीजिए कायनात का परवरदिगार हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपकी और मेरी निजात का जरिया बनाए। फिर कह दे मोहब्बत से आमीन। मैं ममनून और मशकूर हूँ अपने बड़े ही प्यारे और मोहतरम भाई हजरत मौलाना सुलेमान साहिब का इरफान भाई का इसी तरह अज़ीज़ रुफ़का जितने साथी जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम का एहतमाम फरमाया पूरी मस्जिद की इंतज़ामिया और तमाम के तमाम वो दोस्त जो बड़ी ही मोहब्बत के साथ यहाँ आप अहबाब के लिए इतना बेहतरीन एहतमाम जिन्होंने किया कायनात का परवरदिगार सल्फी साहब को उनकी पूरी टीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़तों बरकतों के साथ नवाजे कि जिन्होंने ये सालाना कॉन्फ्रेंस इसी तरह जारी और सारी रखी हुई है। हज़रात गिरामी कदर मुझे हुक्म हुआ है मैंने पहले हुजूर के घराने का ज़िक्र करना है फिर हुजूर के यराने का ज़िक्र करना है बाकी मोहब्बत आपकी
मैं देखूंगा जहां तक आप लोग कर सकेंगे। तुसी टिले हो तो मैं जरा है ना उस अंदाज ना बयान करांगा कि तुहानू ज़्यादा बोलना ना पवे। थके थके हो, हर रोज़ तुसी जागदे हो, हैं सफ़र भी बहुत सारा किया होना है। मैं मुसलसल बारिश में और बारिश मुसलसल तेज़ बारिश में मैं खुद ड्राइव करके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और एक लंबा सफ़र भी है। और अगर तुसी मेरे नालों बहुते नहीं थके तो एडवांस आखो सुबहान अल्लाह, बस है सुबहान अल्लाह। तुसी पढ़दिया रहना है ताकि गल जरा है ना वो जल्दी जल्दी अगे चलती रहे। समझो कि सुबहान अल्लाह पेट्रोल है, पेट्रोल पाई जाओगे तो गड्डी चली जाएगी इंशाल्लाह। हजरात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का घराना, आपके अहले बैत हुजूर अलैहिस्सलाम के घर वाले अहलुल बैत, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर वाले, जिनके बारे में इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि मोहब्बतुहुम फर्जुन वाजिबुन यूजरु अलैहि, अहले बैत से मोहब्बत रखना फर्ज भी है, अहले बैत से मोहब्बत रखना वाजिब भी है। और जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, आप फरमाते हैं जैसे बंदा नमाज पढ़ता है उसको अजर मिलता है, जैसे कुरान पढ़ता है उसको अजर मिलता है, जैसे हज करता है उसको अजर मिलता है, जैसे सदका करता है उसको अजर मिलता है, इसी तरह जो अपने दिल में अहले बैत की मोहब्बत को रखता है अल्लाह उसे भी अजरे अजीम अता फरमाता है। लोग आखते ने वाबी अहले बैत का तस्करा नहीं करते। अज असी यह दसने कि जिमें असी करने उमें होर कोई करता नहीं, ये तुसी भी दसना है, तुसी बोलना है, तो मैं तुहानू बुलावना है, तो मैं बार बार मेहमान आखे तो वह गल जरा है ना जे खानदानी लोग होया करते ने मेहमाना की इज्जत भी किया करते ने, तो तुसी मैनू खुआना पियाना कुछ नहीं, बस मेरी इको गल माननी है तो एडवांस उची आखना है, फिर आखो सुबहान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का घराना हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत, जिनके बारे में मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने चंद अहदीस आपके गोश गुजार करनी है और बड़ी तेजी से बात ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और फिर हजरत रबानी साहब तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, उनकी गुफ्तगू चल पड़ेगी। हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस समाप्त कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين, आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली के लिए इरशाद फरमाया, हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा के लिए इरशाद फरमाया, हजरत हसनैन करीमैन के लिए इरशाद फरमाया। आपने इन चारों का नाम लेकर के इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं आना हरबुन लिमन हरबान, जो भी बंदा इन चारों के साथ लड़ाई रखे उसकी लड़ाई इनके साथ नहीं है, उसकी लड़ाई मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ है। आप अलैहिस्सलाम ने वाजिब कर दिया है कि जिस दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार है उस दिल में हजरत अली का प्यार भी होना चाहिए, जिस दिल में हुजूर का प्यार है उस दिल में हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा का प्यार भी होना चाहिए, जिस दिल में हुजूर का प्यार है उस दिल में हसन व हुसैन की मोहब्बत भी होनी चाहिए। और मेरे आका ने दुआ की, दुआ की, मेरे आका अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह मैं हसन व हुसैन से
प्यार करता हूँ, तू भी हसन हुसैन से प्यार फरमा। और जो मेरा उम्मती हसन हुसैन से प्यार करे तू उसको अपना प्यारा बना ले, तू उसको अपना महबूब बना ले। और तीसरी हदीस पढ़ूं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना, आप अलैहिस्सलात व सलाम फरमाते हैं मन अहब्बल हसना वल हुसैना फकत अहब्बनी, जिसने हसन हुसैन से प्यार किया उसने हसन हुसैन से नहीं मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम से प्यार किया। आप फरमाते हैं वमन अहब्बनी अहब्बहुल्ला, तवज्जो कीजिएगा जुमला सुनिएगा अगर समझ आए मोहब्बत से बोलिएगा। आपने फरमाया जिसने हसन हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया आप फरमाते हैं अहब्बहुल्ला कायनात का परवरदिगार उस बंदे से प्यार करेगा, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेगा। और नहीं समझ आई तो अनु मैं पंजाबी विच समझाना, जेड़ा बंदा हसन हुसैन नु अपना जो हसन हुसैन का मुहिब बन गया वो हुजूर का मुहिब बन गया, और जो मुस्तफा का मुहिब बन गया वो अल्लाह का मुहिब नहीं बल्कि महबूब बन गया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन की अजमत सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की कई अहदीस मौजूद हैं, और कौन सैयदना इमाम हसन हुसैन हैं जिनके बाबा हजरत शेर खुदा हैं और जिनकी अम्मा सैयदा फातिमा तज़हरा हैं। और मैं तो आखना उन्ना अगर अम्मा सैयदा फातिमा तज़हरा होवे ते बेटे फिर हसन हुसैन ही पैदा होया कर देने। अम्मा जन्नत की औरतों की सरदार हैं, बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुनिए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, एक फरिश्ता रब की अदालत में हाथ बांध करके अर्ज करते रब्बा मैं जमीन पर जाना चाहता हूँ इजाजत चाहिए। अल्लाह कहते हैं क्यों जाना चाहता है आखिर क्या वजह है? अर्ज करता है मैंने जमीन पर इसलिए जाने मुझे मालूम पड़े वो कायनात का दुल्हा पैगंबर वो नबी आखिरुज़्ज़मा पैगंबर दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, मेरा दिल चाहता है मैं उस नबी का जाकर के दीदार करूं, अय्युसल्लिमा अलैया उस नबी को जाकर के सलाम करूं। अल्लाह ने इजाजत दे दी और कहा खाली हाथ नहीं जाना, मेरे नबी के लिए पैगाम ले जाओ, मेरे नबी के लिए तोहफा ले जाओ, मेरे नबी के लिए गिफ्ट ले जाओ। ये फरिश्ता जमीन पर आए मेरे आका इसका तारुफ करवाते हैं, ये फरिश्ता आया है पहली मर्तबा आया है अल्लाह से इजाजत लेकर आया है मेरा दीदार करने के लिए आया है मुझे सलाम करने के लिए आया है। अल्लाह ने इसके हाथ पैगाम भी जवाया है और मेरा सोहना नबी सिर्फ तू ही हसन हुसैन से प्यार नहीं करता बल्कि तेरा परवरदिगार भी हसन हुसैन से प्यार करते, इसीलिए मैंने कानून बना दिए मैंने उसूल बना दिया है कि इन्नल हसना वल सैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मैंने हसन और हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया है, जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिए। और मैं आखना अगर दिल में हजरत हसन हुसैन का प्यार नहीं है और जाओ कोई और जन्नत जा कर के फिर तलाश करो, क्योंकि जिस जन्नत में हमने जाना है उस जन्नत में सरदारी है तो इमाम हसन हुसैन की सरदारी है। सुबहानल्लाह
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर मैं इरफान भाई का हुक्म पूरा करता चला जाऊं, कौन हजरत इमाम हुसैन, और मैनू एवें आखन देना कि हुसैन हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन आले रसूल लिख ले, तू दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले, हुसैन जैनब दी अख दा तारे, हुसैन भाई हसन दा प्यारे, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़े, हुसैन जहरा दा फूल लिख ले, जमीन बदले जमान बदले, साकी बदले मेखान बदले, मगर ना बदले हुसैन हक तो वफादा पढ़ के उसूल लिख ले, हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा ए हक नु करके कबूल लिख ले, हुसैन आबिद हुसैन जाहिद, हुसैन साजिद हुसैन माजिद, हुसैन आलिम हुसैन फादिल, हुसैन जिगरे बतूल लिख ले, हुसैन साबिर हुसैन शाकिर, हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले, ओ ए गिनती शिमती दा रोला छड़ दे, नबी दा सारा यराना पाके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन हुसैन का तस्करा हुआ, मेरा दिल चाहता है मैं उनकी अम्मा का भी तस्करा करूं एडवांस के। सुभान अल्लाह, सारे आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरे आका ने चारों का नाम लिया, मैंने इन चारों का ही तस्करा करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम को इतना प्यार है, मेरे आका की चार बेटियां, बोलो मेरे आका की कितनी बेटियां, हमारा अकीदा बोलो कितनी बेटियां। मेरे आका को सबसे ज्यादा प्यार सैयदा फातिमा तज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा से हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार है, सबसे ज्यादा मोहब्बत है। और यारो रब्बे काबा की कसम है, बेटियां तो सभी को प्यारी हुआ करती हैं, बेटियों की तो मोहब्बत ही निराली हुआ करती है। आए हाय, बेटियां सबसे ज्यादा अपने बाबा से प्यार किया करती हैं। हजराते गिरामी कदर मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ, मां के बाद अगर कोई प्यार करता है तो वो बेटियां प्यार करती हैं, जिनके बारे में हुजूर ने फरमा दिया। हुजूर फरमाते हैं मन आला जारिया तैनी हत्ता तबलुगा जा यौमल कयामा। मेरे आका फरमाते हैं जिसको अल्लाह दो बेटियां अता फरमाए और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, अल्लाह कल कयामत वाले दिन उस बंदे को मेरा साथ देगा, और साथ कितना देगा। आका फरमाते हैं जैसे ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं, ऐसे वो मेरे साथ होगा। ये नहीं समझ आई तो मैं समझाता हूं, जैसे ये दो उंगलियां हैं, इन दो उंगलियों के दरमियान तीसरी उंगली कोई नहीं है, वैसे मेरे आका के दरमियान और उस शख्स के दरमियान फासला ही कोई नहीं होगा, वो मेरे आका के साथ होगा। और मुबारक हो बेटियों वालों, अपनी बेटियों से प्यार करने वालों, मेरे आका भी प्यार करते हैं, मेरे आका भी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का अंदाज देखिए हजरते गिरामी कदर, दरवाजा बज बजाया जाता है, आगे से आवाज आती है मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन है। आप अर्ज करती हैं मैं फातिमा, बाबा फातिमा, आपकी बेटी फातिमा अपने बाबा से मिलने के लिए आई है, अपने बाबा को देखने के लिए आई है। मेरे आका खुद खड़े होते, चल करके जाते, दरवाजा खोलते, अपनी बेटी की पेशानी पर बोसा देते और अपनी कुर्सी पर बिठाते, अपनी जगह पर बिठाते, और फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तो बिजा तो मिन्नी, ओए फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का चैन है, फातिमा मेरे दिल का करार है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई है। आओ
आओ कायनात के लोगों, फिर अंदाज देखिए, अंदाज देखिए, मेरे आका की तरबीत जब देखिएगा, मेरे आका की तरबीत जब देखिएगा। हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरबीत का अंदाज देखिए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक मेहमान आया, आका खाना खाना है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजरत सलमान को भेजा, कहा जाओ जा करके एक बंदे के खाने का एहतिमाम करो। रबानी साहब तशरीफ ले आए हैं, अब इनको बिठाइए, जो टाइम मुझे लंबा दी गए आज पूरा ही होगा इंशाल्लाह। हजरात गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आपने फरमाया सलमान जाओ ना, खाने का एहतिमाम करो, मेहमान आया है, मेहमान के खाने का एहतिमाम करना है। हजरत सलमान चल दिए हैं, मेरे आका के घर गए हैं, लेकिन घर के अंदर से एक मेहमान का खाना मुयस्सर ना हुआ। दूसरे घर में गए हैं, खाना मौजूद ना हुआ। मेरे नबी के तमाम घरों के अंदर से एक बंदे का खाना मिला कोई नहीं है, और ये घर है मेरे नबी के। अभी कभी हमारी जिंदगी में भी ऐसा हुआ कि एक बंदे का खाना हमारे घर में मौजूद ना हो? ना बाबा ना, हमारी तो दौड़ लगी हुई दुनिया कमाने में, हमने तो आने वाली नस्लों के लिए भी जोड़ रखा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो मेरे आका की जिंदगी देखिए, एक बंदे का खाना नहीं मिला। हजरत सलमान चलते चलते हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा के दरवाजे पर पहुंचे हैं, बेटा फातिमा आपके बाबा का मेहमान आया है, मेहमान को खाना खिलाना है। हजरत फातिमा कहती है चचा सलमान, मेरे घर के अंदर तो खाना मौजूद नहीं है, हजरत हसन और हुसैन भी भूखे हैं, खाना मौजूद ही कोई नहीं है। आप जाने लगे, आप फरमाती हैं चचा सलमान ठहरिएगा, मेरे बाबा का मेहमान है, इसको खाली में जाने नहीं दे सकती, आप रुकिएगा। आप घर जाती हैं, अपनी चादर मुबारक ले करके आई, कहा चचा सलमान ये चादर ले करके चले जाओ फलां यहूदी के पास, वो चीजें रख करके आटा उधार देता है, ये चादर रखवा करके आटा ले करके आ जाइए, मैं रोटी बना करके देती हूँ। हजरत सलमान ले करके चल दिए हैं, हजरत सलमान ले करके चादर को पहुंचे हैं, यहूदी के पास चादर पहुंची है। हजरत गिरामी कदर तवज्जो मेरी तरफ रखिए, अहलन व सहलन व मरहबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे शेख, आपके दिलों की धड़कन हजरत शेर रबानी तशरीफ़ ला चुके हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में इलम में हिलम में बरकतों का नजूल फरमाए। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, तो मेरी अब ड्यूटी है कि मुझे अब स्पीड तेज़ करनी चाहिए। ये बड़ा मसला होता है, पहले जेन ले करके और चल दिया जाता है और फिर और, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखे इंशाल्लाह, मुख्तसर करते हैं बात, ठीक है, पूरा करना जी, तवज्जो मेरी तरफ रखे। हजरत सलमान वो चादर लेकर के, हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा की चादर लेकर के चल दिए हैं, यहूदी के पास पहुंचे, कहा ये चादर रख लीजिए और हमें थोड़ा सा आटा दे दीजिए। वो यहूदी कहने लगा ये चादर किसकी है? कहा ये चादर हमारे नबी की बेटी की चादर है, ये हमारे नबी के लखते जिगर की चादर है। यहूदी की आंखों में आंसू आगे, कहा मैंने भी यही किताबों में पढ़ा है। वो अपने अपने बारे में नहीं सोचोगे, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। कहा चादर भी लेकर के चले जाइए, आटा भी लेकर के चले जाइए और पैगाम भी ले जाइए, आज के बाद मैं उस नबी का गुलाम हूँ जिस नबी की बेटी का अखलाक इतना आला है। हजरत गिरामी कदर सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और मेरे आका ने हया
सिखाई है, हया सिखाई है। अंदाज देखिएगा, दुनिया से रुखसत होने लगी है। अपने सरदार हजरत अली कुल मुर्तजा को यही वसीयत की है कि मैं दुनिया से जाने लगी हूँ, हाँ यूं कीजिएगा, मेरा जनाजा रात की तरीकी में उठाइएगा, मुझे गुसल भी खुद दीजिएगा और मेरी चारपाई आम अंदाज से ना उठाइएगा, ऊपर खजूरों की टहनियाँ डाल दीजिएगा, ऊपर चादर डाल दीजिएगा, किसी को ये मालूम ना पड़े, क्योंकि मेरे चेहरे पर सिर्फ मेरे अब्बा मोहम्मद की नज़र पड़ी है, हसन हुसैन की नज़र पड़ी है या आपकी नज़र पड़ी है, हयाओं वाली आपकी और मेरी अम्मा सैयदा फातिमा तज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फिर मुझे यूं कहने दीजिए ना कि हया के माथे का ताज जहरा, हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, मकाम खून हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज जहरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला जो तुझको मुकाम जहरा, जो तेरे शोहर से बुग्ज रखे, मरीज है ला इलाज जहरा, शब्बीर और शब्बर दी अम्मी जहरा, नबीद घर विच है जम्मी जहरा, मकाम तेरे नु कौन समझे, ए सारे हिम तेरे कम्मी जहरा, ए सारे हिम तेरे कम्मी जहरा, पढ़ दे धियां दे कजन आली, जनाब ज़ैनब दी अम्मी जहरा। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह, घराना ही ऐसा है, घराना ही ऐसा है। अल्लाह कहते इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुमुर रिज़्सा अहलल बैत। अल्लाह ने इरादा फरमा लिए, अल्लाह ने फैसला फरमा लिए, क्या फैसला फरमाया अल्लाह ने कि लियुज़हिबा अनकुमुर रिज़्सा अहलल बैत, के अहले बैत से रिज़्स को दूर कर दिया जाए, नपाकी को दूर कर दिया जाए। आओ तवज्जो तवज्जो, यही बात तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये घराना पाकीज़गी वाला, ये घराना हयाओं वाला, ये घराना ईमान वाला, ये घराना असमत वाला, ये घराना तकद्दस वाला, ये घराना पाकीज़गी वाला अहलुल बैत। ओए मेरे नबी का घराना, ओए मेरे नबी के घर वाले, ओए मेरे नबी के घर वाले। हजरात गिरामी कदर आइए, चौथा हजरत शेर खुदा हजरत अलीगुल मुर्तजा जिनके बारा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं अली तेरी वजह से दो गिरोह गुमराह होंगे, तेरी वजह से दो गिरोह गुमराह होंगे, एक वो गिरोह जो तेरी असमत को बढ़ा देगा, तेरी असमत को बढ़ा देगा और इतना बढ़ा देगा जैसे आज लोगों ने बढ़ा दिया, और क्या कहने लगे, कहा देखो देखो जब आप अलैहिस्सलाम मेराज पर गए हैं, रब ने बुलाया मेराज पर गए, उस वक्त वहां पर एक हाथ नजर आया, उस हाथ के अंदर एक अंगूठी थी, नाउज बिल्ला, कहने लगा ये अंगूठी वही थी जो मदीना में हजरत अली ने पहनी हुई थी, वही अंगूठी वहां पर नजर आई, कहा ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, और यहां तक हजरत अली को मुश्किल कुशा कह दिया, हजरत अली को बढ़ाते बढ़ाते वहां तलक ले करके चले गए, कहा ये गिरोह भी राफ़ज़ियों का गिरोह है, ये गिरोह भी गुमराह है, और दूसरा गिरोह जो हजरत अली की असमत को घटाए वो नासबियों का गिरोह है, वो भी गिरोह गुमराह है, हक वाले ये हैं, हक वाले ये हैं जो हजरत अली को मानते हैं, वो कहते नहीं मानते। मैंने कहा तेरा मानना जुदा है, मेरा मानना जुदा है, कौन कहता है हम हजरत अली को नहीं मानते, रब्बे काबा दी कसम है यारो, मैं ऐसे दिल नु अपने सीने दे विचों कढ़ के बार ना सुट देवा, जिस दिल दे विच मौला अली दा प्यार ना होवे, हजरत शेरे खुदा दी मोहब्बत ना होवे, ओए रब्बे काबा दी कसम है यारो, ओए साड़ी ते उदो तक नमाज मुकम्मल नहीं होंदी जदों तक असी अहले बैत ते दरूदो सलाम ना पढ़ लिए। हम हजरत अली को मानते हैं, हम हजरत अली को शेरे
जली मानते हैं, हम हजरत अली को रब का वली मानते हैं, हम हजरत अली को शेरे खुदा मानते हैं, दमादे मुस्तफा मानते हैं, शोहरे बतूल मानते हैं, दमादे रसूल मानते हैं, फातहे खैबर मानते हैं, हैदरे कर्रार मानते हैं, सफदर मानते हैं, असदुल्ला मानते हैं, कारिगे कुरान मानते हैं, सहाबिगे रसूल मानते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन मानते हैं, और जन्नती नवाब मानते हैं। तेरा मानना और है, तू कहता है मुश्किल कुशा मानो, अगर हम नहीं मानते तो कहते हैं कि नहीं मानते। मैंने कहा उतना मानते हैं जितना हुजूर ने बतलाया है। कहो सुभान अल्लाह। गल समझ भी आ रही है कि यूटर्न ले लिए उचिया को? सुभान अल्लाह। फिर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत शेर खुदा, हजरत अली गुल मुर्तदा, जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते मन कुंत मौलाहू फअली गुल मौला, मन कुंत मौलाहू फअली गुल मौला। वहाबियों का स्टेज है, वहाबी गुफ्तगू कर रहा है, मौला अली की अजमत बयान हो रही है। अपने दिलों को साफ करके लेकर के जाइएगा, कल इस गाँव के अंदर मालूम पड़े कि शेरे खुदा की असमत आपने सुनी है। हजरते गिरामी कदर हुजूर ने मेरे हुजूर ने हजरत अली गुल मुर्तजा का हाथ पकड़ करके आपने यूं ऐलान किया कि मन कुंत मौला हूँ फा अली गुल मौला, और जिस दा मैं मौला उस दा अली मौला, जिस दा मैं मौला उस दा अली मौला। क्या माना मौला का? मौला के अरबी जुबान में बहुत से माने पाए जाते हैं। मौला का माना गुलाम भी है, मौला कमाना मददगार भी है, मौला कमाना उस्ताद भी है, मौला कमाना चचाजाद भाई, मौला कमाना दोस्त भी है। मौला के बहुत से माने हैं। यहां पर जो हुजूर ने मोहब्बत का माना इरशाद फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं जिसका मेरे साथ ताल्लुक है अली के साथ भी होना चाहिए, जिसका मेरे साथ यराना है अली के साथ भी होना चाहिए, जिसकी मेरे साथ मोहब्बत है, जिसकी मेरे साथ ताल्लुक है अली के साथ भी होना चाहिए। और अगली हदीस में मेरे आका ने वाज़े कर दिया, आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा वाली मन वालहू, ए अल्लाह जो जो मेरे अली को दोस्त रखता है तू भी उसको दोस्त बना ले, तू भी उसको अपना प्यारा बना ले। हजरत गिरामी कदर मेरे आका को हजरत अली से बड़ा प्यार है, हजरत अली से बड़ी मोहब्बत है। मेरे आका लश्कर रवाना कर रहे हैं, उस लश्कर का अमीर हजरत अली गुल मुर्तजा को मेरे आका ने बना दिया है। मेरे आका फरमाते हैं अमीर बनिए, अमीर बनकर के लश्कर की कयादत कीजिए। हजरत अली गुल मुर्तजा जा रहे हैं, मेरे आका पीछे से देख रहे हैं, मेरे आका ने हाथों को उठा दिया है, अब मोहब्बत देखिएगा अपने भाई के साथ। मेरे आका दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियानी अलिया, ए अल्लाह मुझे तब तक मौत ना आए, मुझे तब तक अपने पास ना बुलाना जब तक मैं अपने भाई का वापसी पर चेहरा ना देख लूं। मेरे भाई अली को वापस लौटा देना। हजरते गिरामी कदर तवज्जो तवज्जो, एक मौका पर मैं आपको हदीस मुस्तफा सुना रहा हूँ। हजरते गिरामी कदर यही अंदाज है, वो तस्करा करते है हजरत अली का, भंग पी करके करते है, चरस पी करके करते है, हम तस्करा करते हैं, मिंबरे रसूल पे बैठ कर करते हैं, वुजू करके करते हैं, हदीस मुस्तफा से करते हैं, रब के कुरान से करते हैं। मेरे आका मुहाजिर अंसार को एक दूसरे का भाई बना रहे हैं, सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। हजरत अली अकेले रह गए, हजरत अली को किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे आका को हजरत अली अरस करते हैं, आका आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया है, सबको एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे आका फरमाते अली परेशान के होते हो, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली कोई किसे दा वीरे, कोई किसे दा वीरे, तू मेरा वीरे, दुनिया दे विच वी ते आखरत दे विच वी।
अली मेरे नबी दा वीर है, बोलो अली मेरे नबी दा वीर है। उची बोलो अली मेरे नबी दा वीर है। किसे कोल एहो जा वीर है ते लेके आओ। सुभान अल्लाह, अली मेरे नबी दा वीर है। फिर मैनू आखन दियो ना कि अली नू बूतुराबा दिन, अली नू बूतुराबा दिन, अली नू लाजवाबा दिन, अली दे नाल हुब रखना ईमान वाले सवाबा दिन। अली मयार जुर्रत दा, अली शेर खुदा दा है, अली दी अदा अंदर नबी दी अदा भी है, अली दस्तार वलियां दी, अली किरदार नबी दा, अली मोमंद रहबर है, अली प्रचार नबिया दा, अली वहदत दे गुलशन दा, गुलाबा खां ते ठीक होसी, अली सारे सहाबा दा प्यारा खां ते ठीक होसी, अली दुश्मन दे घोड़े नू दे सकदा लगामा खो, कदी दोजक नहीं सड़ सकदा नबी दा हर गुलामा खो, अली वलिया दा मौला है, वली मौला नू ना आखो, अली साई गुलशन दा कली मौला नू ना आखो, अली नू पीर जे मन दें ते शिकवे छोड़ यारा दे, कसीदे खुल के पढ़या कर सदा चम्मा ते सारा दे। अकीदा हमारा सुनिए, अगर हजरत अली को मानते हो तो हजरत अली जिनके पीछे नमाजें पढ़ते रहे हैं उन इमामों को भी बोलो मानना पड़ेगा, उन इमामों को भी मानना पड़ेगा। हजरत अली गुलमुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर को अपना इमाम माना, हजरत अबू बकर को अपना इमाम माना, हजरत फरूक आजम को अपना इमाम माना, इनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। आज तुझे किसी इमाम के किरदार में कोई नक्स नजर आए और तू उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, क्या कहना चाहता है? मौला अली ने इतने साल यूं ही नमाजें पढ़ डाली हैं, दिल में मोहब्बत इमाम की नहीं थी, और मोहब्बत इतनी थी। हजरत सैयदा फातिमा तज़हरा का जनाजा पड़ा हुआ है, आप आगे बढ़े, हजरत सिद्दीक अकबर का हाथ पकड़ करके मुसल्ले पे खड़ा किया है, कहा इमामत आप करवाइए, कहा आपकी अहलिया है आप इमाम बनिए, कहा नहीं नहीं, जहां पर सिद्दीक अकबर मौजूद हो किसी की क्या जुर्रत है कि वो आगे बढ़ करके इमामत करवाए। जिसको इमाम बनाया है तो रब किबरिया ने बनाया है, जिसको इमाम बनाया है तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बनाया है। तो फिर अकीदा हमारा, हम हजरत अबू बकर को अपना इमाम इसलिए भी मानते हैं क्योंकि हजरत अली ने अपना इमाम माना, हजरत अली ने अपना। और आओ तवज्जो मेरी तरफ रखी, मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चल रहा हूं। मैंने कहा सभी का तस्करा कीजिए, हजरत अली को मानते हो तो हजरत अली जिनके वजीर रहे उनको भी मानना पड़ेगा, सहाबा सहाबा का भी तस्करा करना पड़ेगा। हमारी एक आंख का नूर अहले बैत हैं, दूसरी आंख का नूर सहाबा हैं, हमारे दिल की एक धड़कन सहाबा दूसरी धड़कन अहले बैत हैं। जिस दिल में अहले बैत का बुग्ज है वो भी बेईमान है, जिस दिल में सहाबा का बुग्ज है बोलो वो भी ईमान वाला हो सकता, ऊंची बोलो हो सकता। सहाबा जिनके बारा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि मर्रानी और आमर्रानी फकद हर्रमल्लाहु अलैहिन नार, जिसने ईमान की हालत में मेरे आका के चेहरे की ज़ियारत की है अल्लाह ने उनके उन पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। हजरात गिरामी कदर सहाबा सारे के सारे आला हैं, अल्लाह ने मेरे नबी को जितने यार अता किए तमाम के तमाम आला हैं, तमाम के तमाम मेरे नबी के वफादार हैं, मेरे नबी के हुबदार हैं। आइए मेरा दिल चाहता है मैं कुरान पाक से सहाबा किराम का तस्करा आपको सुनाऊं और फिर बात मुकम्मल होती है। हजरात गिरामी कदर
सहाबा किराम का तस्करा, आइए देखिए तो सही ना बैते रिजवान का मौका है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान को रवाना कर दिए, अपना सफीर बना करके हजरत उस्मान को रवाना कर दिया है, बात फैला दी गई, हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। मेरे आका बड़े गुस्से के अंदर हैं, मेरे आका बड़े परेशान हैं, मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया। मेरे आका फरमाते हैं यारो मैंने उस्मान के लहू का बदला लेकर के जाना है, मेरे यार को शहीद कर दिया गया है, मैं लड़ने के लिए तो नहीं आया था लेकिन अब बदला लेकर के जाना है, आओ मेरे हाथ पे हाथ रख करके बैत करो, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। लोग आंख देने ये लोग दीवाने हैं, ऐसे ही सहाबा सहाबा करते हैं। मैंने कहा आ मैं तुझे सहाबा की कीमत बताऊं, मेरे नबी ने अपने यार दी कीमत लाई है, मेरे नबी ने अपने यार दा मुल पाए, और मेरे नबी आख देने मेरी जान मेरे 1411 दी जान असी कुर्बान कर छड़ांगे, उस्मान दे लहू दा बदला लेकर के जावांगे। मेरे आका फरमाते हैं आओ मेरे हाथ पे हाथ रख करके बैत करो, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अगर इस अंदाज से ये बात आपने पहली मर्तबा सुनी हो, आपने दोनों हाथों को उठा करके बोल लें, अगर मुझे समझ आया कि आपको सहाबा की मोहब्बत आपके दिलों में उतर पड़ी है, अगली बात होगी, वरना यहीं पर इख्तिताम हो जाएगा। मेरी तवज्जो रखिएगा, यही बात आखिरी बात होगी। हजरात गिरामी कदर मेरे आका ने हाथ रख दिया है, आओ हाथ पे हाथ रख करके बैत करो। हजरत सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी के हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैत कर लिए, हजरत फरूक आजम ने बैत कर लिए, हजरत हैदर करार ने बैत कर लिए, मौत पर बैत हो रही है, आका हम अपनी जान दे डालेंगे, आपके यार का बदला लेकर के जाएंगे। तवज्जो रखिएगा, नीचे मेरे नबी का हाथ है, मेरे नबी के हाथ के ऊपर 1400 सहाबा का हाथ है। मेरे आका फरमाते हैं ये जो मेरा दूसरा हाथ है ये मेरा हाथ नहीं है, हाजा यद उस्मान, ये हाथ उस्मान गनी का, मेरे नबी ने अपने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दे दिया है। अब देखिए नीचे मेरे नबी का हाथ है, ऊपर 1400 सहाबा किराम के हाथ हैं, ऊपर मेरे नबी के यारों के हाथ हैं, मेरे नबी के वफादारों के हाथ है। ये मंजर जब कायनात के शहनशाह ने देखा, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया ये अब्दुल्लाही फौका आईदीहिम, और मेरा सोहना नबी नीचे तेरा हाथ है, ऊपर तेरे यारों का हाथ है, तेरे यारों के ऊपर मुझ परवरदिगार का हाथ है। ओए नहीं समझ आई तुहानू, मैं पंजाबी विच समझाना, आपके शहर के अंदर अगर कोई बंदा माड़ा होवे, कोई बंदा माड़ा होवे, लोकी आख देने ए बंदा माड़े, लेकिन अगर उंदी कंड दे उते अगर कोई एमपीए हाथ रख दवे, कोई एमएनए हाथ रख दवे, कोई चौधरी हाथ रख दवे, कोई वजीर हाथ रख दवे, कोई मुशीर हाथ रख दवे, कोई सदर हाथ रख दवे, लोकी आख देने इनू कुछ ना आखिया जे, इंदे उते एमपीए दा हाथ है, इंदे उते एमएनए दा हाथ है, इंदे उते चौधरी दा हाथ है, इंदे उते वजीर दा हाथ है, इंदे उते सदर दा हाथ है। ओए मैं भी आखिया, ओए काली जुबान आलियो, मेरे नबी दे यारां नू कुछ ना आखिया जे, मेरे नबी दे यारां दे उते रब्बे किबरिया दा हाथ है। यदुल्लाहि फौका अईदीहिम किस्सा और कहानी नहीं है। मैंने कहा मेरे नबी दे यार बड़े महफूज ने, थल्ले हुजूर दा हाथे, उत्ते रब्बे किबरिया दा हाथे, दरमियान च सहाबा दे हाथ ने, सहाबा बड़े ही महफूज ने। सुबहानअल्लाह,
ओए तेरी काली जुबान इस्तेमाल नहीं हो सकती, सहाबा बड़े महफूज हैं, अगर तेरी इतनी जुर्रत है तो दरमियान में सहाबा के हाथों को निकाल करके दिखला। कहते हैं देखो फलां सहाबी ने यूं किया, फलां सहाबी ने यूं किया, फलां मौके पर यूं किया। मैंने कहा आ मैं तुझे एक मंजर दिखलाऊं, मेरे नबी के यार बदर के मैदान में जब लड़े, मेरे आका ने कहा यारो लड़ना है आओ लड़ना है, किसी मेरे नबी के यार ने ये नहीं कहा अंता व रब्बू का फकातिला, आप लड़िए आपका रब लड़े, हम तो चूरी खाने वालों में से हैं। ओए नहीं नहीं फरूकी सहाबा सहाबा ऐवें नहीं करदा, मेरे नबी ने बदर दे मैदान विच बुलाया है, सहाबा दौड़ पड़े हैं, मेरे नबी ने बुलाया, सहाबा के पास लड़ने के लिए तीर तलवार मौजूद नहीं है। ओए जरा मंजर तो जहन में लेकर के आइएगा, खून की नदियां बह रही हों, गर्दनें कट रही हों, तलवारें चल रही हों, 1000 का लश्कर हो और मुजाहिद मेरे नबी का हाथ के अंदर तलवार भी मौजूद ना हो, और ये कैसी जानिसारी है, और ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि नहनुल्लदी बायाउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा, नहनुल्लदी बायाउ मुहम्मदा, हमने अपने नबी के हाथ पर मौत की बैत कर लिए, जहां हमारा नबी हमें लड़ाएगा हम लड़ पड़ेंगे, हमें गर्दनें कटवानी पड़ी हम कटवा डालेंगे, बच्चे यतीम करवाने पड़े हम करवा डालेंगे। और ये नारा लगाना आसान है, सहाबा ने इस नारे को सच कर करके दिखलाया है, अपनी जानों का नजराना पेश कर करके दिखलाया है। जब बदर के मैदान में मेरे नबी के 313 पहुंचे हैं, मेरे नबी ने दुआएं शुरू की हैं, मैदान में पहुंचे अल्लाह ने फरिश्तों को जिरा पहनवा कर मैदान में उतार दिया है, सहाबी तलवार उठाता है गर्दन पहले कट चुकी होती है, अंदाज ऐसा है। मेरे आका फरमाते हैं फिर बदर वाले ऐसे लड़े अल्लाह को इतने प्यारे लगे, आ फरमाते हैं अल्लाह ने अर्शों से झांक करके बदर वालों को देखा और ऐलान करके कहा ए मालूम मा शितुम फकद गफरतु लकुम, ओ मेरे नबी दियो यारो आज तो बाद तुसी जो कुछ मर्जी करो और मैं जन्नत तो अडेना कर छड़ी है। तू कहता ये किया वो किया, अल्लाह कहता कुछ भी करो, अल्लाह कहता है कुछ भी करो, ए मालूम आशी तुम। और आपको नहीं मालूम है जिस सहाबी से भी गलती हुई, मेरे आका फरमाते इनू कुछ नहीं आखना, ए बदर आला है, नहीं बोलते आप कहो सुभान अल्लाह, आखिरी बात तवज्जो कहें सुभान अल्लाह। मैंने कहा यारो फिर मानना पड़ेगा, सहाबा किराम बड़ी अहमियत वाले, बड़ी असमत वाले, बड़ी रिफत वाले, बड़ी बुलंदी वाले, बड़ी शान वाले, बड़े मुकाम वाले, अरे वो शान वाले क्यों ना हो। मेरे भाई मैं अपने भाई डॉक्टर साहब का हुक्म पूरा करूं, मेरा दिल चाहता है मैं कुरान के 30 पारों में से सहाबा की असमत आपको सुनाऊं, सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह, ऊंची कहो अडवां सुभान अल्लाह, दो में हाथ चा के आखो सुभान अल्लाह। सुबह ओए मेरे नबी के यारों के गुलाम, हम तो उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं, ओए मैं तो आखना ओए मेरे नबी ने जहां पर कदम लगाया उस मट्टी की तोहीन भी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, सहाबा तो वो हैं जिनको मेरे नबी ने सीने के साथ लगाया है, सहाबा तो वो हैं जिनको मेरे नबी ने अपने अपने मुसल्ले पर खड़ा किया है, ओए जो मेरे नबी के मुक्तदी हैं, ओए जो मेरे नबी के यार हैं, ओए जो मेरे नबी के वफादार हैं, ओए जो मेरे नबी के हुबदार हैं, ओए जो मेरे नबी के जानिसार हैं। हजरते गिरामी कदर कुरान सहाबा की तारीफ करता है, कुरान कुरान खोलिए कुरान खोलिए, कुरान पाक के अंदर सहाबा के
की असमत, सहाबा की रिफत, सहाबा की बुलंदी, सहाबा का तकवा, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा का चलना, सहाबा का बैठना, सहाबा का उठना, सहाबा की सूरत, सहाबा का किरदार, सहाबा की निमादें, सहाबा के सदकात, सहाबा के खैरात, सहाबा की इबादत, सहाबा के सजदे, सहाबा की दुआएं, अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान कर दिया। ओए खोलो कुरान, मैं कहां कहां से कुरान पढूं, सारा कुरान सहाबा सहाबा करते, सहाबा सहाबा करते, सहाबा सहाबा करते। आओ खोलिए कुरान, कुरान पाक का पहला पारा, फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। मैंने अर्ज किया, रब्बा जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल नमूना बना दिया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, ए अल्लाह उम्मते वसता कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तीसरा पारा, वसाबिरीना वसादिकीना, ए अल्लाह साबिर सादिक लोग कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौथा पारा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए अल्लाह बेहतरीन उम्मत कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पांचवा पारा, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बाद मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबी गैरा सबीलिल मुमिनीन, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छठा पारा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए अल्लाह जिन पर तूने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का सातवां पारा, व इदा समियो मा उनसिला इलर रसूली तरा अयुनहुम, ए अल्लाह जो लोग कुरान सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते हैं, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का आठवां पारा, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का नौवां पारा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दसवां पारा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ए अल्लाह हक वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का ग्यारहवां पारा, वस्साबिकून अल्अव्वलून, ए अल्लाह सबकत ले जाने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का बारहवां पारा, फस्तकिम कमा उमिरता, ए अल्लाह इस्तकामत इख्तियार करने वाले कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तेरहवां पारा, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौदहवां पारा, यकूलूना सलामुन अलैकुम, ए अल्लाह जिनको फरिश्ते सलाम कहेंगे, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पंद्रहवां पारा, व यखिरून लिल अज़कान, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का सोलहवां पारा, लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का सत्रहवां पारा, वल्लदीन उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फज़लम मिनल्लाहि व रिज़वाना, ए अल्लाह जिन्होंने तेरी रजा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का अठारहवां पारा, कद अफलहल मुमिनून, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का उन्नीसवां पारा, व इबादुर रहमानिल लदीना यमशूना अलल अर्दी हौना, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का बीसवां पारा, व इदा समीउल लगव अरदू, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का इक्कीसवां पारा, गुलिबतिर रूम, ए अल्लाह गालिब आने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का बाईसवां पारा, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तेईसवां पारा, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ए अल्लाह जिनको तेरी तरफ से सलाम कहा जाएगा, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौबीसवां पारा, इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, ए अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह है, फिर तपते हुए अंगारों पर अहद अहद के नारे लगा दिए, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पच्चीसवां पारा, वल्लाहु वलीजुल मुत्तकीन, ए अल्लाह तेरे यार कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छब्बीसवां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफार, ए अल्लाह तेरे नबी के साथी कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का सत्ताईसवां पारा, उलाइका हुम सिद्दीकून, ए अल्लाह सच्चे कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का अट्ठाईसवां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ए अल्लाह तेरा गिरोह
कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, वयुतिमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना, मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा, सहाबा के गुलामों। कुरान पाक का 30वां पारा, आबा सवतवल्ला अंजाअहुल आमा। ए अल्लाह, जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर तेवड़ी आना भी बर्दाश्त न किया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा है। मैंने कहा तुम सहाबा को कहां कहां से निकालोगे? ओए वहाबियों, दियोबंदियों, सुन्नियों के सीनों से निकालो तो फिर हम बतलाते हैं, कुरान के पारों से निकालो, कुरान के हर्फों से निकालो तो फिर बतलाते हैं कुरान सहाबा सहाबा करते। मैंने कहा मुझे यूं कहने दीजिए, सहाबा की असमत इतनी आला है। मैंने कहा बाबा तुझे क्या मसला है, तू क्यों सहाबा की तोहीन करते? तेरी सहाबा से मुलाकात कोई नहीं, तेरा सहाबा ने बिगाड़ा कुछ नहीं, तेरा सहाबा से ताल्लुक कोई नहीं, तू सहाबा की तोहीन क्यों करता है? कहने लगा मुझे सहाबा से मसला नहीं है, मुझे मसला दीन के साथ है, मुझे मसला इस्लाम से है, मुझे मसला कुरान से है। लेकिन मसला यह है, जब मैं इस्लाम पर वार करने लगता हूं, सामने सहाबा पहरेदार नजर आते हैं, मैं कुरान तब्दील करने लगता हूं। मैंने कहा नहीं नहीं, तीया आला नहीं, चालिया आला कुरान है, सहाबा आखते ने नहीं नहीं असी वेखिया, और जिहड़ा जिब्रील लेके आया है वह तीया पारे आला कुरान है, सहाबा बदलने नहीं देते। मैंने कहा कलमा तीन तीन जुजों वाला नहीं, कलमा पांच जुजों वाला। सहाबा कहते नहीं नहीं, जेड़ा कलमा नबी ने सानू पढ़ाए वो तीन जुजा वाले। हजरात गिरामी कदर, मैंने कहा फिर मानना, इस्लाम के चौकीदार सहाबा। बोलो इस्लाम के चौकीदार है सहाबा, सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार हैं, सहाबा इस्लाम के पहरेदार हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं। और याद रखिएगा, आज भी किसी कीमती दुकान के ऊपर एक चौकीदार खड़ा होता है, जब भी डाका मारने के लिए कोई आता है, चौकीदार आख दे पहले मेरे नाल आके निबड़, और पहले मेरे नाल मुकाबला कर। सहाबा इस्लाम के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार हैं। इसीलिए फिर मुझे कहने दीजिए कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था, उस भार नबुव्वत के शाहकीर सहाबा हैं। दो अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के दो मुशीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो नौ तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता, फिरमान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, हमारा तो मुकद्दर है हमारे पीर सहाबा है। कायनात का परवरदिगार हम सबको सहाबा और अहले बैत का सच्चा और पक्का हुबदार बनाए। दुआ करें अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए, अल्लाह पाक फौज की हिफाजत फरमाए, और जो भी इस मुल्क के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं अल्लाह उनको नेस्तो नाबूद फरमाए, अल्लाह हमें नेक हुक्मरान अता फरमाए, अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।